राधा रानी ने कहा ये मुरली जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है आज तो मुझे क्यों दे रहे हो, इस मुरली के बगैर कैसे रह पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अब इस मुरली का कोई खरीदार नहीं है बाहर, कोई नहीं। अब ये कृष्ण दोबारा मुरली नहीं बजाएगा। हे राधा मेरे ऊपर एक कृपा करिएगा, आप अधीर मत होइएगा, आप मत रोइएगा, यदि आप रो दोगी तो ये कृष्ण कभी नहीं जा पाएगा। आप मत रोना बस। श्री किशोरी जी ने कहा कृष्ण यह राधा कभी भी अपने कृष्ण के धर्म पथ की बाधा नहीं बनी है, प्रेमी कभी भी अपने प्रियतम के रास्ते की रुकावट नहीं बनता। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं न रोऊं, ये राधा वचन देती है कभी मेरे नेत्रों में तुम्हारे लिए अश्रु नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा थोड़ा उनको भी बावरियों को भी समझाइए। श्री राधा रानी आई गोपियों को समझाते हैं, चलो चलो राधा को छोड़ो बचो। आप भी कह रही हैं श्री जी यही बात, अरे मान लीजिए हमसे तो बड़ी उम्र की आप कैसे रह पाएंगे। राधा रानी ने कहा अच्छा प्रेम स्वार्थ नहीं होता, प्रेम स्वार्थी नहीं होता, प्रेम स्वयं को केवल नहीं देखता। तुम यह देख रही हो कि तुम्हारा एक प्रियतम तुम्हें छोड़कर जा रहा है, तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है कि तुम्हारा एक प्रेमी जा रहा है। सोचो कृष्ण के हृदय की वेदना, उसकी कितनी प्रियतमाएं पीछे छोड़कर जा रही है, उसकी क्या दशा हो। और जहां स्वसुख की भावना है वहां प्रेम नहीं घटित होता, जहां प्रियतम परसुख की भावना है वहीं प्रेम जन्म ले सकता है। न चाहते हुए गोपियों को हस्ताक्षर, जाते जाते गोपियां कह रही जा